Healthy fruit salad. Hi guys, welcome to our channel Cosy Health. मैं आज एक फ्रूट सैलड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो खाने में तो बहुत यम्मी है ही और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। इसके लिए मैंने फ्रूट्स लिया, चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। अभी सारे फ्रूट्स को मैंने पहले धो के साफ किया और काट के ट्रे में अरेंज किया। मैंने एप्पल लिया, पपाया, मैंगो, कीवी, चीकू लिया, पोमोग्रेनेट्स लिया। अभी सारे जो फ्रूट्स हैं एक ट्रे में रखा मैंने, और ड्रेसिंग के लिए मैंने हनी लिया, ब्लैक पेपर पाउडर लिया, इसके अलावा चाट मसाला लिया, ये गार्निशिंग के लिए पोमोग्रेनेट सीड्स और एप्पल है। अभी इसका ड्रेसिंग तैयार कर लेना है। एक कटोरी हनी लिया मैंने, 2-3 टीस्पून हनी है इसमें, और अभी इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर लेना है। फिर इसको स्पून के हेल्प से अच्छे से मिलाना है। ऊपर से थोड़ा सा लेमन पील ऐड करने लाए, लेमन जेस्ट, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। बस ज़्यादा मत किसना नहीं तो कड़वा हो जाएगा। एकदम हल्के हाथ से इसको थोड़ा सा निकाल लेना, इसको भी अभी अच्छे से मिला लेना है। ये मेरा ड्रेसिंग तैयार हो गया। अभी एक बॉल में मैंने सारे फ्रूट्स डाल लूँगी। पहले मैंने एप्पल डाल दिया। ये जो फ्रूट्स है, एप्पल, बनाना, कीवी, मैंगो, ये सारे फ्रूट्स विटामिन ए, विटामिन B1, B2 एंड B6 में रिच है। इसमें फोलेट मिन फॉलिक एसिड्स भी है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे। गर्मियों के सीज़न में ये मार्केट में अवेलेबल रहता है, तो इसका सलाद भी आप आसानी से घर पे बना सकते हो। और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हो गया मेरा डाल के। अभी इसमें मैं चाट मसाला ऐड करूँगी। ये अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, जिसको जितना पसंद है डाल सकते हैं। अभी थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट पाउडर ऐड करना है। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है। अभी जो ड्रेसिंग पहले से बना कर रखा था, ऊपर से ये भी ऐड करना है। बहुत अच्छा पंच देगा सलाद को, खाने भी बहुत अच्छा है सेहत के लिए। और अभी पोमोग्रेनेट लेमन जेस्ट ऐड करना है, इसमें भी थोड़ा सा डालना है बस, ऐसे ही फ्लेवर के लिए। अभी इसको अच्छे से मिक्स्ड अप कर लेना है। पूरा ड्रेसिंग सलाद में मिक्स होना चाहिए, एक जगह पे जमा हो जाएगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए हो गया। जो पोमोग्रेनेट सीड्स मैंने रखा था गार्निशिंग के लिए, अभी ऊपर से डाल देना है। जब मुंह में सलाद खाने के टाइम पे पोमोग्रेनेट सीड्स आएंगे तो एक क्रंच मिलेगा। अभी जो एप्पल स्लाइस रखा था गार्निशिंग के लिए, ये भी डाल देना है, ऐसे लगा देना है। बस मेरा हेल्दी यम्मी फ्रूट सैलड्स बनकर रेडी हो गया सर्व के लिए। इसमें